लोगों ने नगर पालिका के जो स्टाफ है वो रसीद काट रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है कि वो सरकारी स्टाफ हर एक साल काटते हैं। और कुछ एक सरदार है सागर नाम का, एक्सियाम नाम का लड़का है, वो कह रहा है कि तुरंत पर्ची कटाओ और तुरंत पैसा दो। ये कौन लोग है? न सरकारी स्टाफ है न क्या है, वो तो लग रहा है हमको गुंडा है, प्राइवेट गुंडा है, आज तक नहीं हुआ है। जो जितने का पैसा आप दे रहे रसीद मिल रही है? मिल रही है, ना उसमें नंबर लिखा जा रहा है, ना जमीन हम जितना लिए ना वो लिखा जा रहा है, ना 18% GST लिखा जा रहा है। 18% बढ़ाने की बात हुई उनकी स्वेच्छा से, तो जो रेट है एक लट्ठे का 1800, 1600, 1400 के साथ साथ 15% उस पर बढ़ा करके देने के लिए राजी हुए हैं, के साथ ही उस पर GST 18% GST लगाया जा रहा है। उसके अतिरिक्त यदि कोई डिमांड की जा रही है, मांग कर जा रहा है, अगर हमको लिखित में संज्ञान ये सब देते हैं तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, एक्शन लेंगे। मेरे भी नगर पालिका कर्मी हैं, स्वयं आप हैं नगर पालिका अध्यक्ष है, पूरी टीम मेले में भ्रमण करती रहती है, सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस है, इसके बावजूद वो कौन लोग हैं जो अवैध तरीके से वसूली करते हैं और क्या वजह है कि आप तक आप उन तक नहीं पहुँच पा रहे? नहीं नहीं, हम ऐसा कहना गलत है, व्यापारियों के मध्य ही हम हैं और मेले में भी रह रहे हैं। जहाँ तक उनसे अवैध वसूली या उनके प्राइवेट व्यक्तियों के द्वारा वसूली की बात की जा रही है, हमारे द्वारा बाकायदा टीम लगाई गई है जो कि टैक्स कलेक्टर होते हैं, साथ में नगर पालिका की टीम होती है, साथ ही साथ चेयरमैन साहब के द्वारा भी सुपरविजन किया जा रहा है, उनके साथ दो एक लोग जो साथ में चल रहे हैं वो लोग भी सुपरविजन कर रहे हैं। व्यापारियों के मध्य एक गलतफहमी हो गई है कि अवैध वसूली के लिए वो सब भी आ रहे हैं, उसको अगर इस तरह के प्रकरण संज्ञान में आ रहा है या कोई लिखित में दे रहा है या हमारे द्वारा भी पकड़े जा रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। क्या आपने कोई CCTV कैमरा